क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वो अम्मा जी का ना गाजर का हलवा खाने का दिल चाह रहा था तो मैंने सोचा बना दूं। ये अम्मी भी ना, कितनी बार कहा है उनको कि गाजर का हलवा उनके लिए सही नहीं है, उसमें घी होता है। कुछ नहीं होता बाजी, अल्लाह पाक बेहतर करेगा, अल्लाह सेहत देने वाला है। कुछ दिन पहले ही अम्मी गिर चुकी हैं, उनकी हड्डियां कमजोर हैं, और वैसे भी कुछ महीने पहले उनका बाईपास हुआ है, और तुम हो के? बाजी सारा दिन तो वो अकेली रहती घर में, आप लोग तो चले जाते हैं शाम को रोज खाना खाने के लिए, और वकास भाई भी रात को इतनी लेट आते हैं, तो अगर उनका दिल चाह रहा कुछ खाने को और मैंने बना दिया तो इसमें गलत क्या है? कैसी कैंची की तरह ज़बान चल रही है इस लड़की की। आने दो साजिद को। अरे अम्मा जी, ये क्या कर रही हैं आप? अरे चलें, अरे चलें बैठे। दो दिन से बिस्तर पे लेटे लेटे परेशान हो गई हूँ, बस अल्लाह ताला चलते हाथ पैर उठा ले, किसी का मोहताज ना रखे। वो तो ठीक है, लेकिन अभी चोट ताजा है, आप बैठें, आराम करें। तू तो चाहती यही है कि मैं बिस्तर पर बैठ जाऊं ताकि तू सारे घर में अपनी मनमानी करे। अल्लाह की कसम बड़ा मजा आ रहा है, वरना आप तो सारा दिन मेरे सर पे खड़ी रहती थी जो टोकने के लिए। समझ गई मैं, ये चोट नहीं, ये तेरी बद्दुआ लगी है मुझे। अल्लाह ना करे माजी, तो मजाक की बात थी, मैं क्यों आपको बद्दुआ लगाऊंगी? बैठने का तो इसलिए कह रही थी, आपकी पसंद का गाजर का हलवा बनाया मैंने, रबड़ी वाला। आज जल्दी थे। नहीं नहीं नहीं, पहले दवा का टाइम है, ये दवाई खाएं आप अपनी, उसके बाद फिर हलवा भी खाएंगे। और ये क्या, आपने बोला नहीं साजिद भाई को, आपकी तो दवाई खत्म होने वाली है। ये दवाइयां भी इतनी मुश्किल मुश्किल है, मुझे तो नाम भी समझ नहीं आते इनके। ला दिखा मुझे, नाम दिखा ला। और ये क्या, आपने चश्मा भी नहीं बनवाया, पिछले महीने से टूटा हुआ है, किसी को फिक्र नहीं है आपकी। साजिद को टाइम नहीं होता, सुबह ऑफिस जाता है शाम को घर आता है, कहाँ टाइम है उसके। और वकास भाई, वो तो कहीं भी नहीं जाते, उनके पास भी टाइम नहीं है आपके लिए। अरे चल, किन बातों में लगा दिया, ला मुझे हलवा खिला, जल्दी से खिला खिला। इतने प्यार से बनाया मैंने, और चीनी भी कम डाली है इसमें आपके लिए, ताकि आपकी शुगर ना बढ़ जाए। और हाँ बात सुने, ये नहीं कहना कि थोड़ा सा मेरे साजिद के लिए भी बचा देना। हाँ बस रहने दे, वो बाहर पता नहीं क्या क्या खाते हैं, आपको कोई पूछता है? ये आपके लिए मैंने बनाया है, खाएं, और मैं बर्तन धो के आती हूँ, ठीक है? किरण, किरण, थक गया आज यार। किस दिन नहीं थकते आप? ये टेबल यहाँ किसने रख दिया? कितनी बार कहा है ईरानी की बच्ची को टेबल बीच में नहीं रखा करे, लेकिन मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। तो साफ कर दो। जाहिर सी बात है, मुझे ही साफ करना होगा, वो तो महारानी जल्दी से काम खत्म करके घर चली जाती है। मैं आपको बोल रही हूँ, ये रानी को अपनी जबान में समझा लीजिए, अम्मी को मीठी मीठी घी और तेल की चीजें बना के देती है, अम्मी की वैसी तबीयत सही नहीं होती, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं घर में अकेली होती हूँ, क्या करूंगी? साजी। अरे अम्मी, आप चलकर बाहर क्यों आ गईं? दर्द कुछ कम हुआ? मैंने सोचा एक तरफ घर में बैठी रहूंगी तो दर्द बढ़ ही जाएगा, इसलिए चलती फिरती रहती हूँ। अम्मी, अभी मैं साजिद को यही कह रही थी कि आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हैं, देख के कहाँ जाए। अम्मी आप अपना ख्याल तो रख सकती हैं ना, ऐसे ही गिरती रहती हैं, ज़्यादा मत चला फिरा करें, अगर खुदा ना खास्ता हड्डी टूट गई तो मुसीबत हो जाएगी। बैठे। मुसीबत बढ़ जाएगी। ये मेरा चश्मा नहीं बनवाया तूने बेटा, कब बनवाएगा?
नजर भी नहीं आता कुछ। अम्मी मैं भूल गया, सुबह बनवा दूंगा पक्का। ये पैसे और पर्ची, दवाई खत्म हो गई है मेरी, बस आज रात की ही दवाई बची है, मुझे स्टोर से लाते जरा। अम्मी दवा चाहिए थी तो आप मुझे बोल देती, मैं साजिद से बोल देती, वो वैसे भी ऑफिस से देर से आते हैं तो ले आते। लेकिन कोई बात नहीं, आप पैसे ले लीजिए, मैं वकास से मंगवा दूंगी। जरा बैंक चल मेरे साथ, वो पेंशन का कोई काम देख ले, पता नहीं क्या कह रहे हैं ये बैंक वाले। ठीक है अम्मी, आप सुबह 9 बजे रेडी रहिएगा, मैं आपको ले जाऊंगा। अच्छा किरण, वो तुम्हारे भाई का फोन आया था मुझे, हाँ बता रहा था कल जाना है शादी में, तो उसके लिए सारी तैयारियां पूरी हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ। ये सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रहा है, नाश्ता किया तुमने? नहीं अम्मी, दोस्तों के साथ फिशिंग के लिए जा रहा हूँ, आप भाभी से कहना कि शाम को फिश पकाने की तैयारी कर लें। अच्छा बात है। अम्मी लेट हो रहा हूँ, शाम को मिलता हूँ। वकास जी, बेटा साजिद को बोल दो, उसने मुझे कहा था कि मैं 9 बजे तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ, मुझे बैंक ले चले जरा। अम्मी साजिद तो आज जल्दी चले गए ऑफिस, उन्हें कुछ जरूरी काम था। आज जल्दी चला गया, मुझे बता ही दिया होता। बताया उन्होंने मुझे भी नहीं था, सुबह जल्दी उठ गए थे और बिना नाश्ता किए चले गए। तुमने वकास को मेरी दवाई का बोला? जी अम्मी, मैंने रात को वकास को कह दिया था, वो कह रहा था आज दोपहर तक आपकी दवा ले आएगा। शाम को वो मछली लेता हुआ आएगा, तैयारी करके रखना। अम्मा कैसा लग रहा है आपको, सुकून मिल रहा है ना? नहीं, आज तेरा ध्यान किधर है? नहीं कहीं नहीं। मैं सुबह से देख रही हूँ तेरा आज ध्यान काम पर नहीं है, क्या बात है बता मुझे। वो अब्बा ना कुछ दिनों के लिए मुझे अपने साथ गांव ले जाना चाहता है, तो मुझे छुट्टियाँ चाहिए। छुट्टी चाहिए? अम्मा जी सारे कपड़े आपके ना धुल धुल के फट चुके हैं। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, किरण बाजी, किरण बाजी, अम्मा जी कहाँ चली गई? अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, ये अल्लाह कहाँ चली गई, कहीं भी नहीं है, पूरे घर में नहीं है। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, ये अल्लाह यहाँ भी नहीं है। किरण बाजी, किरण बाजी, किरण बाजी, क्या मुसीबत है, क्यों दरवाजा पीट रही थी? अम्मा जी नहीं मिल रही है। ये क्या कह रही हो, सुबह ही तो मेरी उनसे बात हुई है, तुमने ठीक से देखा है? मैंने पूरे घर में देख लिया, कहीं भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है। हेलो साजिद, अम्मी कहीं नहीं मिल रही है घर में। हाँ मैंने ठीक से पूरा घर देखा है, आप जल्दी वापस आ जाएं। ठीक है, एक काम करो तुम जाके पड़ोस में देखो, क्या पता वहां पे हो। जी ठीक है, मैं देखती हूँ।
अम्मी आपको यही चप्पल मिली है जुड़वाने के लिए? घर में इतनी सारी चप्पलें, भाभी की कोई सी भी चप्पल पहन लें आप। बच्चे और बूढ़े बराबर होते हैं, अम्मी तो छोटे छोटे कामों के लिए बिल्कुल बच्चों की तरह तंग करने लगी है। मोबाइल भी घर पे छोड़ के। किरण तुम कहाँ थी? तुम्हें नहीं पता चला मैं कब गई? मुझे क्या पता, मेरे अपने भी 10 काम होते, और वैसे भी अम्मी कोई बच्ची नहीं है जो बच्चों वाली हरकतें करे। क्यों बुद्ध बन के क्यों बने बैठे हो? फोन करके पूछो किसी से। भाई मैं किसको कॉल करके पूछूं? कहीं होंगी अपनी मर्जी से कहीं। ये रानी कहाँ है? उसको मैंने घर भेज दिया। वैसे भी कोई काम तो करती नहीं है, ऊपर से और टेंशन फैलाती है, उसी की वजह से हुआ है सब कुछ। मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, शायद उन्हीं की मदद से अम्मी को ढूंढ पाएंगे। अम्मी क्या हो गया, तू आज जल्दी आ गया ऑफिस से? तू तो शिकार पर गया था, खैरियत तो है सब? अम्मी ये बताएं कि आप कहाँ गई थी? कल तुझे मैंने बोला था ना, मुझे बैंक ले चल, पेंशन लेनी है। तू सुबह सुबह जल्दी ऑफिस चला गया, तो मैंने सोचा मैं खुद चली जाऊं बैंक। बैंक गई तो वहां पर देर हो गई मुझे, फिर दवाइयां भी ख़त्म हो गई थी। दवाइयां ली, फल लिए, थोड़ी सी सब्जी ली। रानी बोल रही थी वो मुझे सूप देगी बना के और जूस भी देगी, इसलिए सौदा लेने में थोड़ी सी देर लग गई। अम्मी एटलीस्ट बता कर तो जाती, हम सब कितने परेशान हो रहे थे। ये बीच रास्ते से वापस आ गया, मैं ऑफिस से डायरेक्ट आ गया, अब हमें लगा कि आप। क्या लगा? घर छोड़ के चली गई। अम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बार बार गिर जाते हैं, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। आप ये बात समझ ही नहीं पा रही कि आप पहले जैसी एक्टिव नहीं रही हैं, आपका बाईपास हुआ है, कुछ ज्यादा एहतियात की जरूरत। और अम्मी अगर आपको कोई काम होता है तो आप मुझे बोल दिया करें, मैंने कभी मना किया किसी काम के लिए? अगर साजिद भी कोई काम नहीं कर पाते तो मैं वकास को बोल देती हूँ। और अम्मी अगर दवाइयों में गैप हो भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे दोस्त के अब्बू का भी बाईपास हुआ था, वो अपनी मर्जी से दवाई लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाईपास के बाद सब ठीक हो जाता है। अम्मी पेंशन का काम इतना जरूरी नहीं था कि आप अकेली निकल गए। सही कह रहे हैं, 5-6 महीने से रुका हुआ था काम, तो एक आधा दिन और रुक जाती मैं आपको ले जाता। अम्मी देखें हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको खोना नहीं चाहिए, आप प्लीज अपना ख्याल रखा करें, आप घर से बाहर मत जाएं प्लीज। अफसोस है मेरी बेटी शर्मिंदा नहीं है, मुझ पर नाराज हो रही, मेरा ख्याल रखने के बजाय खुद मुझे अपना ख्याल रखने का बोल रहे हैं। क्या शिकवा करूं बहू से जब अपने खून में वफा नहीं।
अगर मुझे रात के इस पहर कुछ हो जाए तो मेरे बेटों को मेरी मौत का पता सुबह चलेगा। रात भर मेरी लाश जमीन पर पड़ी रहेगी। क्या क्या इसी दिन के लिए माँ अपने बच्चों को पाल कर बड़ा करती है? शायद मैं ही गलत हूँ। मुझे उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए मुझे उम्मीद। भाई मैमुना, माशाल्लाह क्या किस्मत है तुम्हारी। माशाल्लाह इतना प्यारा घर है, दो बेटे हैं और दोनों बेटे माशाल्लाह इतना ख्याल रखते हैं तुम्हारा। सही कहा, मेरी जैसी किस्मत किसी की हो भी नहीं सकती। रक्षंदा के क्या हाल है? उसका तो बहुत ही बुरा हाल है। तीन बेटे थे उसके, शौहर के इंतकाल के बाद तीनों ने उसे घर से निकाल दिया। अब अपनी बेटी के घर रह रही है। अफसोस हुआ। वैसे तुम भी बहुत कमजोर हो गई हो, अपना ख्याल रखा करो। ये क्या बालों में सफेदी आ गई है, थोड़ा कलर वलर करो, अपना ख्याल रखो। अब इतनी भी बूढ़ी नहीं हो तुम। अब तो चला चली का टाइम है, सेहत भी खराब हो गई है, शुगर भी रहने लगी है, हड्डियों का अलग मसला। बस जितने दिन गुजर रहे हैं गुजार रहे हैं हम भी। अल्लाह पाक तुम्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, अभी तो पोता पोती खिलाने हैं तुम्हें। वैसे तुम्हारी बहू है कहाँ, नजर ही नहीं आ रही? हाँ वो शायद आज उसको मैके जाना है। तुम्हें अकेला छोड़ के? नहीं नहीं, मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, मुझे अकेला नहीं छोड़ती। कहीं जाना भी होता है तो रानी को मेरे साथ छोड़ कर जाती है। वो शायद अभी तक आई नहीं, रानी आती ही होगी। मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा, बहुत ख्याल रखते हैं। अरे अल्लाह देखो जरा, मैं तो भूल ही गई जिस काम के लिए आई थी। अरे वकास कुछ काम वाम कर रहा है क्या? माशाल्लाह मेरे पास उसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत खूबसूरत लड़की है। रक्षंदा पर क्यों अफसोस कर रही हूँ? क्यों? मेरे दोनों बेटों ने भी तो मुझे छोड़ ही दिया है। हाँ इस बात का शुक्र है कि मेरे बेटों ने मुझे घर से नहीं निकाला, वरना कहाँ जाती मैं, मेरी तो कोई बेटी भी नहीं है। और रसमलाई तो आपने खिलाई। अस्सलामुअलैकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। इतनी देर? अम्मी रास्ते में ट्रैफिक बहुत है। अम्मी मैं आपको कपड़े दिखाती हूँ, ये देखें, साजिद ने मुझे कितना अच्छा सूट दिलाया। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मेरे काम थे मैंने कर लिए। अल्लाह ताला बस अपना मोहताज रखे और किसी का नहीं। कमाल करती हैं अम्मा आप भी, जब घर से भाग गई थी तो वापस आने की क्या जरूरत थी? और मुझे तो वैसे भी वहशत होती है उस घर में। पागल हो रही है? कौन भागा है घर से, कैसी बातें कर रही है तू? मेरे बैंक के काम थे, मुझे दवाइयाँ लेनी थी, कौन लेकर आता बेटा? मुझे मालूम था, फिर भी मैंने जानबूझकर वकास भाई को और साजिद भाई को नहीं बताया। घर जाने के बाद भी मैं आपको इतनी कॉलें करती रही, मगर आपका तो नंबर मुसलसल ही बंद था। हाँ बैटरी ख़त्म हो गई थी फ़ोन की, मोबाइल देखा फिर अभी चार्ज पे लगाया था। अच्छा तू छोड़, तू ये बता, तू दो दिन से आ क्यों नहीं रही है? वो अब्बा मेरा निकाह कराने मुझे गाँव ले जा रहा है। क्या तूने तो मुझे नहीं बताया। और आप दवाइयाँ तो टाइम पे खा रही हो ना? हाँ मगर हेलो हेलो
हेलो हेलो कहाँ जा रही हो? कपड़े फैलाने जा रही हूँ। तुझे मैंने कहा था कि गीजर खोल दियो, तूने नहीं खोला। मगर आपने कब कहा गीजर चलाने का? जब तू नाश्ता कर रहा था। एक तो आप बोलती भी तो इतना आहिस्ता है, मुझे आवाज नहीं आई होगी। मैं चला देता हूँ। रहने दे, धो लिए मैंने कपड़े। मगर कपड़े आपने क्यों धोए? रानी किधर है? गाँव गई है। गाँव गई है? चले मैं अभी रख देता हूँ गरम। रहने दे, जा तू, देर हो रही होगी तुझे। मुझे जब जब जरूरत होती है कोई मेरे पास नहीं होता। आवाज देती हूँ तो कोई नहीं सुनता। रानी थी तो मेरी हर चीज का ख्याल रखती थी, कपड़ों का, सफाई सुथराई का, दवा का, और आज से बढ़कर खिदमत की है उसने मेरी। अल्लाह खुश रखे उसे। तुम्हें जब अम्मी ने गीजर चलाने का कहा था तो तुमने चलाया क्यों नहीं? भाई मैंने सुना नहीं था। तुम्हारे मतलब की बात होती तो तुम सुनते ना। तुम्हारी वजह से अम्मी गिरी है, बुखार हुआ है उन्हें। आप खामखा परेशान हो रहे हैं, हल्का सा गिरी है, ठीक हो जाएंगी। साजिद आप गुस्सा मत करें वरना आपका बीपी हाई हो जाएगा। मैं अम्मी को दवा दे दूंगी, सर के दर्द की भी और पेन किलर भी। क्या जरूरत पड़ी थी अम्मी को कपड़े धोने की? तो और नहीं तो क्या, रानी नहीं थी तो मुझसे कह देती। पता नहीं अम्मी को भी अपना काम खुद करने की आदत है। गिरी है, अगर हड्डी टूटी हुई तो बहुत मुसीबत पड़ जाएगी। हड्डी नहीं टूटी होगी भाई, हड्डी टूटी होती तो अम्मी से लेटा भी नहीं जाता। वकास तुम साजिद को कमरे में लेके जाओ, मैं अम्मी को दवा खिला के आती हूँ। रहने दो रहने दो, मैं शावर लूंगा तो फ्रेश हो जाऊंगा। हम खा की टेंशन देते हो तुम लोग। जाओ तुम भी। अम्मी अम्मी इतनी सारी टैबलेट है, मुझे पता भी नहीं है सर के दर्द की दवा कौन सी है। अम्मी अम्मी ये तो उठ ही नहीं रही है। अम्मी अम्मी मैं टेबल पे दवा रख रही हूँ, आप जब उठेंगी तो खा लीजिएगा। तुमने अम्मी को दवा खिला दी? नहीं, अम्मी सो रही थी तो मैं टेबल पे रख कर आ गई। खिला देनी चाहिए थी यार। साजिद मैं अब अम्मी के कमरे में नहीं जाऊंगी, मुझे लगता है उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या मतलब ठीक नहीं लग रही? मेरे ख्याल से अम्मी को कोरोना हो गया है। तुम्हें अम्मी को जगा कर दवा खिला देनी चाहिए। भाई मुझे नहीं मालूम, मुझे सिर्फ उनके सर दर्द की दवा पता है। क्या मतलब, तुम्हें अम्मी की दवाइयों के बारे में इल्म ही नहीं है? हाँ नहीं मालूम। वैसे एक मिनट, ये बात आप मुझसे पूछ रहे हैं, आपको पता है?
कि अम्मी कौन कौन सी दवाएं खाती हैं? नहीं ना। हाँ पर वकास तो हफ्ते हफ्ते अम्मी के कमरे में नहीं जाते और मुझे बोल रहे। अपनी अम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दें। जी मैं आ गई हूँ हमेशा के लिए। शादी से भी मना कर दिया मैंने और अब्बा को भी मना लिया। चले उठे गरम गरम सूप पिए। अम्मा जी, अम्मा जी, तबीयत तो ठीक है आपकी? आपको तो तेज बुखार हो रहा है। या अल्लाह, सांसें भी कितनी तेज चल रही हैं। अम्मा जी, आपने क्या किया? दवाइयां भी नहीं खाई आपने? किरण बाजी, बाजी भाई जल्दी आए, देखे अम्मा जी को क्या हो गया है। अम्मा जी, ये क्या किया आपने? किरण बाजी, क्या हुआ? ये क्या किया आप लोगों ने इनके साथ? ख्याल भी नहीं रखा इनका। क्या बोल रही हो ये? हमने हमने क्या किया? हम तो उन्हें आराम करने के लिए बोलते थे, वो खुद आराम नहीं करती। आपको तो जरा भी एहसास नहीं है। ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो? मुझे आपसे कुछ नहीं कहना, एम्बुलेंस को फोन करके बुलाए, देखे अम्मा जी को क्या हो गया है। अच्छा रुको, मैं साजिद को फोन करती हूँ। आप उन्हें फोन बाद में करिएगा, पहले एम्बुलेंस को फोन करें, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाएं। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। अम्मा जी, अम्मा जी, ये क्या हो गया आपको? एक हफ्ते के लिए क्या गई? आप लोगों ने अम्मा जान की क्या हालत कर दी? बात सुनो, ज़्यादा ना स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। तुमसे ज़्यादा हमें फिकर है उनकी। फिकर? अगर आप लोगों को इतनी फिकर होती ना, तो आज वो इस हाल में नहीं होती। क्या हुआ अम्मी? कहाँ है वो? वो डॉक्टर चेक कर रहे हैं, कुछ टेस्ट करवाए। हुआ क्या है? पता नहीं, जब सुबह आप ऑफिस गए तो मैंने खुद जाके अम्मी को चेक किया था, तब तो वो सो रही थी, तो मैं भी अपने कमरे में जाके सो गई। उसके बाद ये रानी आई थी, यही थी आखिरी बार अम्मी के साथ कमरे में। आप इससे पूछिए ना। मैं मुना खातून के साथ आप लोग हैं? जी हाँ, मैं उनका बड़ा बेटा हूँ साजिद। मैं उनका छोटा बेटा। देखिए साजिद, आपकी वालदा की सिचुएशन काफी क्रिटिकल है, उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ है। अब उनका टेस्ट करके हम ये फैसला करेंगे कि उनकी सर्जरी करनी है या नहीं। अब ये बताइए कि वो कहीं गिरी थी? जी डॉक्टर साहब, दो दिन पहले घर में गिर गई थी। ओह माय गॉड, दो दिन से? क्या आप लोगों ने अपनी वालदा पे ध्यान नहीं दिया था? उनकी हिप बोन फ्रैक्चर हुई है, मैंने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को बुलवा लिया है। अभी कैसी हैं? उन्हें हमने आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है, उनका कोरोना टेस्ट भी करवा लिया है और आई होप कि उन्हें कोरोना नहीं हो। डॉक्टर साहब, हम मिल सकते हैं उनसे? नहीं, अभी आप लोग अपनी वालदा के लिए दुआ करें। शुक्र है कि उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है, उनका ब्लड रोकने के लिए मेडिकेशन हमने शुरू कर दी है। अभी भी आप लोगों को मुझसे कुछ पूछना है?
सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रहा है? नाश्ता किया भैया? नहीं अम्मी, दोस्तों के साथ फिशिंग के लिए जा रहा हूँ। अच्छा बात है। अम्मी लेट हो रहा हूँ, शाम को मिलता हूँ। वकास, मेरा चश्मा नहीं बनवाया तूने बेटा? कब बनवाएगा, नजर भी नहीं आता कुछ। अम्मी मैं भूल गया, सुबह बनवा दूंगा पक्का। अब ये बात समझ ही नहीं पा रही कि आप पहले जैसी एक्टिव नहीं रही हैं, आपका बाईपास हुआ है। तू अम्मा जी को सेहत दे दे, इनकी सारी तकलीफें दूर कर दे, इनकी बीमारी दूर कर दे। या मेरे मालिक, इन्होंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, या अल्लाह इन्हें शफा दे दे, इन्होंने बहुत तकलीफें सही है, या अल्लाह तू इन्हें शफा दे दे मेरे मालिक। अल्लाह के शुक्र आपकी वालदा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मगर एक खतरे की बात है, उनको नमूनिया है और बहुत सीरियस है। डॉक्टर का कहना है कि उनकी एक वीन ब्लॉक हो गई है, शायद हमें एंजियोप्लास्टी करनी होगी। देखिए सिस्टर, उनसे कहिए जितना पैसा लगता है हम लगाएंगे, मगर प्लीज मेरी मां को ठीक कर। आप हौसला रखिए, अल्लाह बेहतर करेगा। चाहती है कि मैं बिस्तर पर बैठ जाऊं ताकि तू सारे घर में अपनी मनमानी करे। अल्लाह की कसम बड़ा मजा आ रहा है, वरना आप तो सारा दिन मेरे सर पे खड़ी रहती थी जो टोकने के लिए। समझ गई मैं, ये चोट नहीं, ये तेरी बद्दुआ लगी है मुझे। क्या क्या हुआ, ऑपरेशन हो गया? अम्मा जी नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, डॉक्टर ने तो कहा था भाई ये झूठ बोल रही है, भाई अम्मी हमें छोड़ के नहीं जा सकती, भाई भाई हम डॉक्टर से बात करें, भाई अम्मी हमें छोड़ के नहीं जा सकती। अब कोई फायदा नहीं बात करने का, जो होना था वो हो गया। अम्मा जी की मौत के जिम्मेदार आप लोग हैं। ये तुम क्या कह रही हो? बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं, जितनी फिक्र आप लोग आज कर रहे हैं ना, यही फिक्र उनकी पहले की होती तो ये सब ना होता। जब उनको आपकी जरूरत थी तब आप सबने उन्हें अकेला छोड़ दिया। मुझे रोज आप लोगों का इंतजार करती थी कि कोई तो आएगा उनकी तबीयत पूछने, लेकिन आप लोगों को तो ये तक नहीं पता था कि उनको कौन सी दवाई किस वक्त देनी है, ये भी नहीं पता था कि उनकी दवाइयां खत्म हो गई हैं, उनके चश्मे को टूटे हुए कितना टाइम हो गया, फटे पुराने कपड़े पहनती थी, लेकिन कभी आप लोगों से शिकवा नहीं किया। आप लोगों की मोहब्बत अम्मा जी से सिर्फ बातों की हद तक थी। कहते जब मार होती है ना तो फरिश्तों को भी रोना आ जाता है। अम्मा जी पता नहीं कितना रोई होंगी, आंख से आंसू नहीं निकलते थे, लेकिन उनके दिल में समंदर बन गया होगा। आप लोगों को मालूम है अम्मा जी एक हफ्ते से अपनी दवाई डस्टबिन में डाल रही थी ताकि
उन्हें जल्दी मौत आ जाए और वो अपने बेटों पर मजीद मुसीबत ना बने। माँ का गरूर होते हैं बेटे, वालदेन दुआएं करते हैं बेटों की, लेकिन अगर आप जैसे बेटे होते तो अल्लाह ताला किसी को बेटे ना दे। अगर आपको कोई काम होता है तो आप मुझे बोल दिया करें, मैंने कभी मना किया किसी काम के लिए। अगर साजिद भी कोई काम नहीं कर पाते तो मैं वकास को बोल देती हूँ। मुझे एक मौका तो दे देती, अच्छा बेटा दे। आइए, आप लोगों को आपकी अम्मी बुला रही हैं। अम्मी बुला रही है, मतलब अम्मी? Yes, she is alive. ऑपरेशन कामयाब हुआ है, उनको होश आ गया है, आप सब अपनी अम्मी से मिल सकते हैं। अम्मी, 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 आंखें खोलो प्लीज। ये बहुत जल्दी अम्मी, अम्मी आंखें खोलो, आंखें खोलो अम्मी, आंखें खोलो अम्मी। माफ कर दे, आंखें खोले अम्मी, हमने आपका बहुत दिल दुखाया। अपनी अपनी जिंदगियों में इतने मगन रहे कि आपका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। प्लीज एक मौका दे दे गलती सुधारने का, ठीक हो जाए प्लीज। माँ बहुत बड़ी नेमत है, का अंदाजा तो हमें आज हुआ अम्मी। लोग जिंदगी में तो कदर नहीं करते माँ की। अम्मी प्लीज, मैं आपका बहुत बुरा बेटा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं आपका मिसाली और अच्छा बेटा बन के दिखाऊंगा अम्मी। सास और बहू का रिश्ता तो माँ बेटी जैसा होता है, मगर मैं आपको माँ नहीं समझ सकी थी, क्योंकि साजिद और वकास इन लोगों को मैंने हमेशा आपकी तरफ से खैर संजीदा ही देखा। ये लोग हमेशा कहते थे कि अम्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अम्मी सब कुछ अकेले संभाल लेंगी, मगर अम्मी मुझे आज एहसास हो गया कि माँ चाहे जितनी भी मजबूत हो, उसकी कमजोरी उसकी औलाद ही होती है। अम्मी मुझे अपनी बेटी समझकर माफ कर दे, आप घर चले, हम सब आपको चलता फिरता देखना चाहते। पहुंचे बिंद अम्मी, अम्मी प्लीज माफ कर दे, आंखें खोले अम्मी, आंखें खोले अम्मी, आंखें खोले। जिमी, घर ले चलो। मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, वो जल्दी हमें घर भेज देगा। रानी, तुमने हम सबसे झूठ क्यों कहा? क्योंकि मैं फिर से एक बार माँ और औलाद का रिश्ता मजबूत होते देखना चाहती थी। थैंक यू रानी, अम्मी के दो बेटे तो थे, लेकिन आज से अम्मी की दो बेटियां भी हैं।